परिचय। हेलो राधा, तुम कहाँ से आ रही हो? मैं 3D फिल्म देखने सिनेमा हॉल गई थी। 3D फिल्म वो क्या होती है? 3D का अर्थ है त्रिविमीय। इस तरह की फिल्म देखने के लिए हमें विशेष ऐनक पहननी पड़ती है। द्विविमीय आकृति और त्रिविमीय आकृति में क्या फर्क है? आओ, इस पाठ में मैं तुम्हें द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों के बारे में बताती हूँ। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: द्विविमीय और त्रिविमीय आकारों को परिभाषित करना, त्रिविमीय वस्तुओं के भिन्न दृश्य दिखाना, बहुफलक को समझना, ऑयलर सूत्र की अवधारणा को समझना। द्विविमीय आकार। इन आकारों को देखो, द्विविमीय आकार है। इनमें सिर्फ दो मापे हैं, लंबाई और चौड़ाई। तुम्हारा मतलब है कि हम अपनी नोटबुक में जो भी आकार बनाते हैं वो सभी द्विविमीय है? हाँ, तुम सही हो। वो सभी आकार जिन्हें हम कागज पर चित्रित कर सकते हैं और जिनमें दो मापे होती हैं, उन्हें द्विविमीय आकार कहते हैं। वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त इत्यादि द्विविमीय आकारों के उदाहरण हैं। त्रिविमीय आकार। त्रिविमीय आकार क्या है? कोई भी ठोस वस्तु जिसमें तीन माप में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो, उसे त्रिविमीय वस्तु कहते हैं। इन घनाभों को देखो, इनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, अतः ये त्रिविमीय आकार है। बेलन, शंकु इत्यादि भी त्रिविमीय आकार है। विभिन्न आकार। रीता, आओ एक खेल खेलें। तुम द्विविमीय और त्रिविमीय आकारों के बारे में जानती हो? मैं तुम्हें कुछ आकार दिखाऊंगी और तुम मुझे उनका नाम और प्रकार बताओगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ये देखो, ये सभी आकार हैं। अब एक एक कर तुम्हें इन सभी के नाम और इनके आकार बताने हैं। ये एक वर्ग है और ये द्विविमीय है। ये शंकु है और ये त्रिविमीय है। ये बेलन है और ये भी त्रिविमीय है। ये त्रिभुज है और ये द्विविमीय है। ये घन है और ये त्रिविमीय है। ये वृत्त है और ये द्विविमीय है। ये घनाभ है और ये त्रिविमीय है। और ये है, क्या ये गोला है? हाँ, ये गोला है और ये त्रिविमीय है। वाह रीता, तुम बहुत तेजी से सीख रही हो। मुझे इन आकारों के बारे में और अधिक जानना है। आओ तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आकारों का संयोजन। रीता, इस तंबू को देखो, ये दो आकारों से बना है। क्या तुम उन दोनों आकारों के नाम बता सकती हो? हाँ, मैं आकारों के नाम बता सकती हूँ। इसमें एक शंकु है और दूसरा बेलन है। सही। इसी तरह हमारे पास एक आइसक्रीम है। हम देख सकते हैं कि आइसक्रीम का कोन एक अर्ध गोले से घिरा हुआ शंकु है। 3D आकारों के दृश्य। रीता, क्या तुम जानती हो कि त्रिविमीय आकार विभिन्न स्थानों से भिन्न भिन्न दिखते हैं? कैसे? हमारे घर को देखो, इसके कई दृश्य हो सकते हैं। ये घर का पार्श्व दृश्य है, ये घर के सामने का दृश्य है और ये घर के ऊपर का दृश्य है। इसी प्रकार इस ईंट के भी कई दृश्य हो सकते हैं। ऊपर का दृश्य पार्श्व दृश्य और सामने का दृश्य, फलक, किनारे और शीश। इस घन को देखो, ये घन का एक फलक है, ये घन का किनारा है और ये घन का शीर्ष है।
किनारा एक रेखाखंड होता है जहाँ फलक मिलते हैं। शीर्ष वे बिंदु हैं जहाँ किनारे मिलते हैं। बहुफलक। क्या तुम जानती हो कि उस ठोस को क्या कहते हैं जिसमें समतल फलक, किनारे और शीर्ष हो? नहीं, ऐसे ठोस को बहुफलक कहते हैं। ये सभी ठोस बहुफलक हैं। क्या ये वस्तुएं बहुफलक हैं? नहीं, ये बहुफलक नहीं है। तुम सही हो, ये बहुफलक नहीं है क्योंकि इनके फलक समतल नहीं है। सम बहुफलक। यदि प्रत्येक शीर्ष पर समान फलक मिले तो उस बहुभुज को सम बहुफलक कहते हैं। घन एक सम बहुफलक है क्योंकि प्रत्येक शीर्ष पर तीन फलक मिलते हैं। रीता, हमारे पास बहुफलक परिवार के दो महत्वपूर्ण सदस्य हैं। ये है प्रिज्म और पिरामिड। हम कहते हैं कि एक बहुफलक प्रिज्म होता है जब उसका आधार और ऊपरी सिरा सर्वागसम बहुभुज हो तथा उसके अन्य फलक अर्थात पार्श्व फलक समांतर चतुर्भुज के आकार के हों। इसके दूसरी ओर एक पिरामिड वो बहुफलक होते हैं जिसका आधार कितनी भी भुजाओं वाला एक बहुभुज होता है तथा इसके पार्श्व फलक एक शीर्ष वाले त्रिभुज होते हैं। यदि आप एक बहुभुज के सभी कोणों या शीर्षों को एक ऐसे बिंदु से मिला दें जो उसके तल में ना हो तो आपको पिरामिड का एक मॉडल प्राप्त हो जाएगा। ऑयलर सूत्र। यदि F फलक की संख्या, V शीर्षों की संख्या और E किनारों की संख्या हो तो ऑयलर का सूत्र है F प्लस V माइनस E इज इक्वल टू 2। ये सूत्र किसी भी बहुफलक के लिए सत्य है। यदि शीर्षों और किनारों की संख्या दी हुई हो तो हम बहुफलक के फलकों की संख्या ऑयलर सूत्र के प्रयोग से ज्ञात कर सकते हैं। और यदि किसी बहुफलक के फलकों और शीर्षों की संख्या दी गई हो तो क्या हम किनारों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं? दो मान दिए गए हैं तो ऑयलर सूत्र के प्रयोग से तीसरे का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ एक उदाहरण है। सारांश। आइए, हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। द्विविमीय यानी 2D और त्रिविमीय यानी 3D वस्तुओं को पहचानना। वस्तुओं में छिपे विभिन्न आकारों को पहचानना। 3D वस्तुओं का भिन्न स्थानों से भिन्न दृश्य होता है। किसी बहुफलक के लिए F प्लस V माइनस E इज इक्वल टू 2। जहां F फलक की संख्या, V शीर्षों की संख्या और E किनारों की संख्या को प्रदर्शित करता है, इस संबंध को ऑयलर सूत्र कहते हैं।